प्रताप, खुदकुशी हमारे 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 मजहब में हराम है, हम खुद को नहीं मार सकते, हमें शहादत की मौत है। प्रताप प्रताप हमें जिंदा छोड़ के मत जा। प्रताप 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 मैं मौत दे दे, अल्लाह मैं मौत दे दे, परम खान को मौत दे, अल्लाह मौत दे हमें, मौत दे दे हमें। जीजा, योजना क्या है? हमारी सबसे प्रिय दासी को सुल्तान सिंह के पास भेज दिया पली बनाकर। हम भी तो जाने कि आप क्या सोच रही हैं। यदि सुल्तान सिंह ने कोकोई अजी को मार दिया तो हम फिर से वहीं के वहीं ना, ठाक के तीन बात, फिर से वही संकट में घिर जाएंगे ना हम। धीर भाई जी, अब यदि आप चुप नहीं हुई तो हमारा सबसे सरल मार्ग यह होगा कि हम आपके प्राण ले लेंगे, ताकि जब सुल्तान सिंह यहाँ आए तो उसे आप नहीं आपका शव मिले। बोलिए, कैसी रही हमारी योजना? हमने सदा यही सुना है कि असली शक्ति सेना में नहीं, सेना नायक में होती है। इसलिए जब सेना नायक मर जाता है तो उसकी सेना आत्मसमर्पण कर देती है। इसलिए हमने सुल्तान सिंह की हत्या की योजना बनाई है। उसके लिए हमने सबसे तीक्ष्ण श्रेष्ठ खंजर के साथ वो कोई याजी को सुल्तान के पास भेजा है। सुगंध वाली रानी, राणा उदय सिंह नहीं, राव सुल्तान है, राव सुल्तान। हम आपको फूलों की शैया पे सुलवाएंगे और फूलों की कालीन पे चलवाएंगे। आइए आइए सुगंध वाली रानी, घबराइए मत, इन फूलों पर आपका प्रथम पग रखिए। आइए आइए सुगंध वाली रानी, हमें विश्वास है कि आज से पूर्व इतना मान, इतना सम्मान और इतना अधिक प्यार आपको किसी ने नहीं किया होगा। आइए। रानी, ये प्रथम बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है जीवन में। आपसे अधिक व्याकुल तो हम हैं। आपकी सुगंध से हम ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे कि उदय सिंह जी के इस पुष्प को, उदय सिंह के इस नशीली मदिरा को उदय सिंह जी की इस अति प्रिय व्यक्ति पर हम हमारे प्रेम की अमीट छाप लगाएंगे। रानी, क्षणिक इस और भी तो घूमिए, कीजिए थोड़ा और, बस हमारी रानी, हमारे जीवन में आपका स्वागत है। किंतु जयवंता, सुल्तान सिंह को खंजर से मारने का अवसर कोकैया जी को कैसे मिल पाएगा? जो मेवाड़ के राजकोष के स्वर्ण से भरा संदूक हमने भिजवाया है, वो संदूक दिलवाएगा कोकैया जी को इसका अवसर।
वो कैसे जीजा? हमने सुना है सुल्तान अक्सर इसी बात को लेकर दुविधा में पड़ा रहता है कि उसे जीवन में सबसे प्रिय स्त्रियों की लालसा है या स्वर्ण के लिए पागलपन की सीमा तक लालसा। कोकोया जी की सुविधा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी ये स्वर्ण की लालसा कुछ समय तक उसके स्त्रियों की लालसा पर हावी हो जाए। सुगंध वाली रानी, हम जानते हैं कि इस पल आप हमसे कितनी भयभीत है, थर 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 कांप रही है, किंतु आप चिंतित ना होइए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आप जब हमारे प्रेम में अकंठ डूब जाएंगी तो आपका भय दूर हो। हमारा प्रेम आपको सब कुछ भुला देगा। आज्ञा चाहते हैं हम आपसे रानी, केवल एक बार हम राजकोष के घराने को दृष्टिगोचर करना चाहते हैं। जब सुल्तान स्वर्ण पेटी खोलकर मेवाड़ का राजकोष देखेगा तब कुछ देर के लिए इतना स्वर्ण और जवाहरात देख वो लालची सब कुछ भूल जाएगा। जी बाबा हो गया। क्या पहने कि न पहने, मोतियों की माला है और ये यहाँ अवश्य राणा उदय सिंह जी ने अपनी सुहागरात में पहना होगा। कोकोयाची सुल्तान के निकट जाएगी और निकट और वासना में वशीभूत सुल्तान इस समय असावधान रहेगा। कोकोयाची इसी समय अपना खंजर निकालेगी और सुल्तान के पेट में भोंक देगी। हीरे से जड़ा हुआ हार अति मूल्यवान लगता है, अति प्रिय है ये हार। ऐसी कारीगरी तो हमने पहले कभी नहीं देखी। इस हार को तो हम हमेशा अपने पास रखेंगे, कभी दूर नहीं होने देंगे इस हार को हम। और जैसे ही सुल्तान मरेगा हम सारा स्वर्ण बाहर खड़े सैनिकों में बांटकर उन्हें अपने ओर कर लेंगे। वाह जीजा वाह। वाह जयवंता, दुष्ट सुल्तान सिंह को मारने की कितनी अच्छी योजना बनाई है तुमने, मान गए तुम्हें। सुखन वाली रानी, आपसे प्रेमालाप करने की तीव्र मंशा थी हमारी, प्रेम किया आपसे और आपने छल किया हमारे साथ। क्यों किया? सुगंध वाली रानी, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों ऐसा किया हमारे साथ आपने सुगंधवा? आप सुगंध वाली रानी नहीं हो सकती। सैनिकों, सो क्या रहे? उठो, सोने का समय नहीं है। रानी ने हमारे साथ छल किया है, उनको हमारा रौद्र स्वरूप दिखाने का समय आ गया है। उठिए सारे सैनिक। हमारी गर्जना सुनने के पश्चात भी आप सब सो रहे हैं? सर्वस्व मृत हो गए। हमारे सैनिकों की हत्या किसने
तुम्हारा खेल समाप्त हुआ राव सुल्तान। उदय सिंह बिजोलिया में क्या कर रहे हैं आप? उदय सिंह जी आप तो चित्तौड़ बूंदी। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है राव सुल्तान। उदय सिंह जी क्षणिक हमारी 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 बात सुनिए। राव सुल्तान त्वरित द्वार खोलिए। बूंदी नरेश आप सबसे बिहार रह जाएंगे। आप सबको रानियां बना देंगे। जीप भाड़ो हो जाएगा। खोलिए द्वार। मारिए इसे जिंदा मत छोड़िए। इसे मारिए इसे। उठो राव सुल्तान। राव सुल्तान मेवारनाथ की जय हो। हुकुम प्रसन्नता का समाचार है। बाऊजीराज कुंवर प्रताप ने बैरम खान और उनके साथियों को परास्त कर दिया है और बहुत जल्द वो बिजोलिया लौट रहे हैं। सुना तूने राव सुल्तान, जिसके बल पर तुम इतने इतरा रहे थे उसको हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने हरा दिया। सुना तुमने? कुंवर प्रताप ने हरा दिया। ले जाओ इसको और बंदी बना लो और बाहर हमारे सामने से लेकर आओ। कुंवर प्रताप लिंग जी की कृपा है। आप विजयश्री के साथ हमारे सामने हैं। धन्यवाद जवंता भाई जी, आपने मेवाड़ की मान मर्यादा बचा ली। आभारी हैं हम आपके, आप सबके। आपने असंभव को संभव करके दिखाया है। हम दोनों के सम्मिलित प्रयास ने मेवाड़ के गौरव की रक्षा की है। राणा जी अब आप इसका क्या करेंगे? मैं तो आश्चर्य हो रहा है कि आपने इसे जीवित कैसे छोड़ दिया। इसकी सांस अब तक कैसे चल रही है? मामरक जी, इस कायर का रक्त अपने हाथों से बहाकर हम अपने पुरखों का नाम कलंकित नहीं करना चाहते। हमने इसे दंड देने के लिए अलग ही व्यवस्था की है।
हम राव सुल्तान को इस संदूक में बंद करके जीवित ही धरती में गाड़ देंगे। नहीं 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 राणा जी, हुकुम, अगर इसे तुरंत मृत्यु प्राप्त हुई तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहुत पतले लेने हैं राव सुल्तान से, इसलिए हम चाहते हैं कि ये तड़प तड़प के अपनी आखिरी सांस के लिए छटपटाता हुआ मरे। ले जाओ इसको और बंद कर दो इस संदूक को। हुकुम समा समय अचना हुकुम, हमसे चूक हो गई है राणा जी, क्षमा कीजिए राणा जी। राणा जी, राणा जी, राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमें मरना नहीं है राणा जी, हमें जीवित छोड़ दीजिए राणा जी, राणा जी, राणा जी, राणा जी, एक अवसर दे दीजिए हमें, हम आजीवन आजीवन आपके दास बनकर रहेंगे, हम आपके चरणों की धूल हमारे हमारे सर पर लगाएंगे। अब भूल हो गई है हुकुम। देखो इस खंजर को राव सुल्तान, कुछ याद आया? ये वही खंजर है जिससे हमें तुम्हारे षड्यंत्रों के बारे में पता चला। लो राव इसको भी अपने साथ लेके जाओ। नहीं रहे अब नहीं जाना राणा जी, बंद कर दो संदूक। राणा जी, राणा जी, राणा जी, नहीं 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 राणा जी, राणा जी, जी। राज्य के इतिहास में यह पहली बार हो रहा होगा ना चीजा, कि एक समूचे राजकीय कक्ष का नाम एक मामूली दासी के नाम पर रखा गया है ना। ये क्या कह रही है आप धीर भाई जी, ये कोई मामूली कक्ष नहीं है, ये वो कक्ष है जहां कोको याजी ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम सब सर उठा के जीवित रह सके। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके बदले हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आप कैसी बात कर रही हैं जीजा, आप तो जानती हैं ये दासी धर्म होता है। और फिर कोको याजी ने वही किया जो जो वचन उन्होंने हमें दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने प्राण भी न्योछावर कर सकती हैं हम पर। आप सबको तो हमारा आभार मानना चाहिए, दासी तो हमारी थी ना। राणा जी, इस देशद्रोही इस विश्वासघाती को जीवित धरती में गाड़ने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ ना करें, इसके लिए हम और हमारे सिपाही हैं ना। मामरख जी, हम जानते हैं कि आप ये काम बड़ी सरलता से कर सकते हैं, किंतु हम अपने आंखों के सामने राव सुल्तान का अंत देखना चाहते हैं। राव सुल्तान, अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने का जो विचार तक अपने मन में लाएगा, तुम्हारा अंत उन सब के लिए कड़ी चेतावनी सिद्ध होगा। सुनिए सुनिए, मैं इस कबीले का सरदार अपने सभी वन देवताओं को साक्ष्य मानकर बड़े गर्व से यह घोषणा करता हूं, कुंवर प्रताप हमारे इस कबीले के अभिन्न अंग होंगे सदा सदा के लिए। जो आज से पहले इस कबीले में कभी नहीं हुआ, कुंवर प्रताप ने अपने साहस और वीरता से न केवल हमारे मन को अपितु हमारे सम्मान को भी बचाया है। उसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं।
और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना बना। राणा खेता जी, आप बड़े हैं, इसीलिए स्नेहवश आप जो चाहे कह सकते हैं, परंतु सत्य तो यही है कि आपके विश्वास और सहयोग के बिना, आपके इन निर्भीक और वीर भीलों के बिना, और सबसे बढ़कर तो हमारे अपने पूज्य गुरुवर और इन पागल मित्रों के बिना तो हम कुछ ही नहीं कर पाते थे। बाबूजी ने सर में क्या बोला? पागल? यानी हम पागल? हमारा ऐसा सार्वजनिक अपमान आज से हमारा आपसे छोड़ आता नहीं।